तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज के फ्रेश एंड न्यू ब्लॉग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हो गया हूँ पूरा तैयार, आप देख सकते हैं। और आज हम मिलने वाले हैं श्रवण कुमार दीवाना जी से। जी हाँ, वो पर्चे के मोहताज नहीं हैं, आप अवश्य उन्हें पहचानते होंगे। श्रवण कुमार दीवाना जी जो सोशल मीडिया पे बहुत ही फेमस हैं, वे टिकटॉक पे फेमस थे, अब इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं, उस पर भी फेमस हैं। वे कॉमेडियन हैं, सिंगर हैं। तो उनसे हम जा रहे हैं मिलने, पूरा रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। और सुबह के बज रहे हैं 8:30। जी हाँ, 8:30। तो अब हम घर से निकल रहे हैं और चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हम उनसे मिल रहे हैं और वे कितने अच्छे इंसान हैं। हम अभी रास्ते में हैं और हमें श्रवण कुमार जी से मिलने के लिए नदी पार करना होगा। और देखिए, हम यहाँ घाट पे पहुँच गए हैं और यहाँ आपको नाव दिख रही होगी और नदी के बीच में एक स्टीमर आती हुई दिख रही होगी। तो फाइनली दोस्तों, देख सकते हैं कि जो स्टीमर आपको बीच में दिख रही थी वो अब किनारे में आ गई है और हम अब इस पर बैठ करके जाने वाले हैं। तो पहले जो यात्री उस पर आए हैं वो उतर रहे हैं। तो देखिए कैसे, कितनी भीड़ है एक नाव पे। इस पर बाइक भी हैं, गाड़ी भी हैं और बहुत सारे लोग भी हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं स्टीमर पे कितनी भीड़ है। इस पे बहुत सारी बाइक हैं, लोग हैं, यहाँ तक कि गाय और भैंसे भी इस पे बांधी हुई हैं जो नदी के इस पार से उस पार जाएंगी। तो दोस्तों, फाइनली हम स्टीमर पे चढ़ गए हैं और स्टीमर चलना चालू कर दी है। आप देख सकते हैं नदी में कितना तेज धार है, यानी कि नदी के पानी का कितना तेज बहाव है। और हमारी स्टीमर इस पार से उस पार चल रही है धीरे धीरे, आप देख सकते हैं। स्टीमर से उतरने के बाद इस कच्चे रास्ते से हम उनके गांव तक जा रहे हैं। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद हम उनके गांव पहुंच चुके हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच गए हैं श्रवण कुमार जी के घर। आप देख सकते हैं पीछे में श्रवण कुमार जी का घर है और कुछ देर में वो हमसे मिलने के लिए आने वाले हैं, तो आपसे मिलाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमसे श्रवण कुमार जी मिल गए हैं, आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, भैया हमसे मिले हैं, मिलकर भैया से बहुत अच्छा लगा। और भैया तो जैसे कि श्रवण कुमार जी को आप देखते हैं, यूट्यूब पर भी देखते हैं, रील्स पर भी देखते हैं और पहले टिकटॉक स्टार तो थे ही, तो टिकटॉक बंद हो जाने के बाद ये इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं। और बहुत ही सिंपल इंसान है, बहुत अच्छा, इनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। एक ही बार में मतलब ज़्यादा इनसे पर्चे भी नहीं देना पड़ा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। मिलते ही डायरेक्ट पानी पीने के लिए पूछ रहे हैं, बैठने के लिए पूछ रहे हैं, आपको क्या काम है, वीडियो बनाना है तो चलिए साथ में बनाया जाए। इतने अच्छे इंसान हैं। तो मिलके मतलब श्रवण कुमार जी से बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली हम आए हैं अपने मेन चैनल जो कि शशि प्रकाश छोटू है, उस पर इनसे मतलब इनका इंटरव्यू किया जाएगा और इनसे मोटिवेशनल बातें पूछा जाएगा कि इन्होंने मतलब ये
एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, देहात क्षेत्र से, तो इनसे मोटिवेशनल लिया जाएगा कैसे ये मोबाइल से, मात्र एक मोबाइल से इतने बड़े स्टार बन गए हैं। तो मिलते हैं उस चैनल पर, तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे, और चैनल पे नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। किया तो आइए अब इन्हीं के जुबान से जानते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। तो मतलब मैं सबसे पहले तो मैं टिकटॉक पर था, तो टिकटॉक बंद हो गया, तो अभी भी बहुत लोग हैं हमारे अगल बगल पास पड़ोसी जो बोलते हैं कि टिकटॉक बंद हो गया आप कैसे उड़ोगे। तो हम बोले कि भाई हमारे अंदर जो छुपा है वो थोड़े नहीं बंद हुआ है, हम तो कहीं भी अपना वो करके और कर सकते हैं। तो फिर हम इंस्टाग्राम पर, मुझे ऐसे पता नहीं था कि वीडियो भी बनाते हैं वो अच्छा खासा है, तो अभी अप्रैल से मैं शुरू किया वीडियो बनाना। आपका सबसे फेमस डायलॉग कौन है जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था? सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था ओ सनम लव यू रोज रोज। तो मैं सर से जानना चाहूँगा कि सच में इनकी कितनी गर्लफ्रेंड है? सच कहें तो जब टिकटॉक था तो एक दो थी, लेकिन टिकटॉक बंद होने के साथ हमारी ज़िंदगी में अकाल पड़ गया। अरुण कुमार जी ने कितना अर्न किया था ये हम जानना चाहेंगे। देखिए हम बहुत एप्लीकेशन पर काम किए हैं और बहुत एप्लीकेशन से बहुत पैसा कमाए हैं। तो वीडियो शूट करने के बाद हम फाइनली लौट चुके हैं अपने घर और पुनः हम स्टीमर से अपने घर लौट रहे हैं। तो बने रहिए इस चैनल पे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय।